अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर अरशद और आप देख रहे हैं IMTV। आपने ये तो सुना होगा कि फैसलाबाद में जुगतों का बहुत टैलेंट है, लेकिन जुगतों का नहीं सिंगिंग का भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़िया मोहिउद्दीन। माशाल्लाह जी, ज़िया मोहिउद्दीन साहब, आप सिंगर हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा नाम राना आसिफ। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? मैं ये पैशनेट म्यूजिशियन हूँ वैसे तो, लेकिन पढ़ता हूँ मैं सेकंड ईयर में। अच्छा, स्टूडेंट है सेकंड ईयर के, क्या कर रहे हैं? मैं ICS। अच्छा, तो क्या करती हैं आप? फिलहाल स्टडी और साथ में सॉन्ग सिंग मतलब करती हूँ साथ में। अच्छा, आप सिंगिंग का शौक रखती हैं? ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, तो स्टडी में क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस FA। आपने किन से सीखा है ये? ये मैंने अपने बाप से, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उसके बाद मेरे मामू हैं, ये मैंने उनसे सीखा है। अच्छा, तो आप सिंगिंग की प्रैक्टिस दिन में कितनी करते हैं? ये मैं 2 घंटे। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। IT की फील्ड में जाना चाह रहे हैं मतलब? फिलहाल तो कुछ नहीं पता, अल्लाह पे छोड़ा है सब। सही है। तो ये म्यूजिक का शौक कहाँ से आपको? म्यूजिक का शौक मुझे तकरीबन है कोई 5-6 साल से, बस फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है, शौक है तो चल बढ़ता रहता है। अच्छा, बहुत अच्छी, ये तो बहुत अच्छा शौक है फिर तो। तो आप सीखते भी हैं किसी से? ये नहीं, बेसिकली सिंगिंग मैं खुद करता था, लोगों को देख के, सिंगर्स को देख के, आते असलम अरिजीत सिंह, और उसके बाद गिटार मुझे किसी ने बताया कि गिटार अच्छा मतलब शो ऑफ करता है, तो अच्छा इंस्ट्रूमेंट है मतलब, तो मैंने गिटार खरीदा, तो फिर मैंने यूट्यूब से लेसन्स लिए और उसकी वजह से मैं आज तकरीबन अच्छा बजा लेता हूँ। कि मतलब कोशिश कर लेते हैं? अच्छी कोशिश कर लेता हूँ। सही सही सही। अच्छा, तो गिटार मतलब क्या? गिटार भी आपने YouTube से सारा सीखा है? गिटार मैंने कोई टीचर नहीं रखा था, बस YouTube पे जो लेसन आते हैं, आजकल YouTube पे हर चीज़ मिल जाती है। सिंगिंग का शौक कहाँ से हुआ आपको? बचपन से ही था, और क्योंकि कॉलेज वगैरह में और स्कूल में स्टार्टिंग में मैं करती रही सिंगिंग, तो साथ आ गई उसको लेकर आई हूँ, तो मुझे शौक है कि मैं सिंगर बनूँ। अच्छा, तो आप बड़ी सिंगर बनना चाहती हैं? जी इंशाल्लाह, जरूर। अच्छा, कितनी बड़ी बनना चाहती हैं सिंगर वैसे आप? इतनी बड़ी कि सब जानते हैं मुझे, कि लाइबा कौन है सिंगिंग के नाम से पता हो सबको। अच्छा, तो आप किस सिंगर को आइडियलाइज करते हैं अपने इस सिंगिंग में? मेरी आइडियल है गुलाम अली साहब, और यानी कि मैं उन्हें अपना रूहानी उस्ताद भी कहता हूँ। अच्छा, तो आप उन गाने ज़्यादा किन के गाते हैं? मैं ज़्यादा गज़लें गुलाम अली साहब की, मेहदी हसन साहब की, और मतलब उस्ताद अमानत अली खान वगैरह की। सही है, माशाल्लाह। अच्छा, तो आपका फेवरेट सॉन्ग, अगर आप कहीं तन्हाई में बैठे हों तो कौन सा गाना आप गाते हैं ज़्यादा? गज़ल गाता हूँ, चुपके चुपके रात दिन। सिंगिंग में आप किसको आइडियलाइज करती हैं? वैसे तो आजकल आतिफ असलम के सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरी मामा मुझे ज़्यादा करते कहती हैं कि नूर जहाँ को फॉलो किया करो। जी देखें, नूर जहाँ तो एक बहुत बड़ी लेजेंड है हमारी यहाँ की, पाकिस्तान के। किस सिंगर का सॉन्ग सुना रही हैं? मैं कुरतलैन बलोच का। गुड सिंगर, चलें लेट्स सी। ओके ओके। यार दे वेड़े आई टप टप गलिया, लब दी फिरा मैं तेनू मल मल अखिया, माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइया अखिया, तेरे नाल मिलाइया अखिया। अच्छा, तो आप आइडियलाइज किसको करते हैं, किस सिंगर को आइडियलाइज करते हैं? मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है वो तो आतिफ असलम, और अरिजीत सिंह भी मुझे बहुत पसंद है, ये दो। सही हो गया, मतलब कि आप अरिजीत और आतिफ को जो सा है वो आइडियलाइज करते हैं, और फॉलो भी उनको ही करते होंगे, सॉन्ग्स भी उनके गाते होंगे आप। जी बिल्कुल। मैं सुनाऊंगा जो बेसिकली मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, तो मैं इनको ही डेडिकेट करना चाहूँगा, गाना है तेरा यार हूँ मैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत गाना है, मैं गाना चाहूँगा।
बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। चलें सुनते हैं आप। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के आ जाने से, जाता हूं मैं तो मुझे तू जाने दे, क्यों परेशान है मेरे जाने से, टूटा है तो जुड़ा है क्यों, मेरी तरफ तू मुड़ा है क्यों, हक नहीं के ये कहे तू यार अब हम ना रहे, एक तेरी यारी का ही सातों जन्म हकदार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं, तेरा यार हूं मैं, बहुत अच्छा जी। आप माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं जी। ये था हमारा आज का शो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये पसंद आएगा। हमारी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।